Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं अहमद खान पॉडकास्ट से नया वीडियो जो है पुनीत को पिल्ले ने भी क्रिंज बोल दिया। आए हाय, ये तो आयरनी हो गई सीरियसली। और ये अहमद खान पॉडकास्ट और पुनीत को पिल्ले ने भी अभी क्रिंज बोल दिया, तो अभी क्या ही कर सकते हैं? अब सच्ची में क्या ही कर सकते हैं बोल दो आप। सैटरडे वी आर हियर विद अहमद खान का पॉडकास्ट, सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। ये चार दिन पहले अमेरिकन कुत्ता खरीद के लाया। मैंने उसको पूछा कुत्ता क्यों लाया, कह रहा है ये दिन में घर की हिफाजत करेगा। मैंने बोला अच्छा, और रात में? कह रहा रात में तो मैं खुद होता हूँ ना घर पे। अच्छा अहमद भाई, आपने कॉल की थी, आपने ये तो नहीं बताया था ये दोनों भी होंगे? बात आपसे ये हुई थी, मैंने फोन पे बात की, प्रोफाइल इंटरव्यू है, लेकिन अब वो दोनों आ गए तो मैं उनको समझा भी करूं। संजय तुम तो बीच में बोले ही नहीं, यकीन करो मेरे कमेंट पर सारे ये बोले दाढ़ी वाला सारे फुफो बना हुआ ये मजे ले रहा होता। अभी मैं तो बात कर रहा हूँ। खैर आप मुझे बताएं कि अगर दुनिया में दो लड़के हो सिर्फ, एक पिल्ला और एक क्रिस गेल, तो आप दोनों में से किससे शादी करेंगी? कैसी बातें कर रहे हो, आपको पता नहीं मैं अवेश की थी, अवेश की हूं, अवेश की रहूंगी। ओ क्रिस गेल, बिग बॉस, बिग बॉस। हां उसमें अभी आया हुआ है, क्या नाम है उसका? वो ये पुनीत की बात कर। हां ये पुनीत, ये तो पूरा कंटेंट इसका क्रिंज है। आप मेरा ही कंटेंट देख लो, आप खुद जाके मेरा कंटेंट, यकीन करो मेरे कंटेंट से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये बात करते ना फिर मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं क्यों बोल रहे हो, देखो यार। बकरा चेक कर ले तो। हाँ बकरा चेक कर, अभी तुमको क्या बरखट भाई को चेक करके दिखाओ। कैसा महसूस कर रही है यहाँ पे बैठ के? रोजाना मैं इसकी बेइज्जती देखती थी टीवी पे कैमरे में, सही है? आज मैं लाइव देख रही हूँ, मेरे सामने करो अब। अबे बच्ची बन तू। पहले हम पागल खाने का हमने देखा, एक पागल कुछ लिख रहा था। मैंने बोला क्या लिख रहा है? खत लिख रहा हूँ। मैंने बोला किसको लिख रहा है? अपने आप को लिख रहा हूँ। मैंने बोला पढ़ के बता। अभी नहीं बता सकता। मैंने बोला क्यों? अभी मुझे मिला कहाँ है? जॉइंट फैमिली में शादीशुदा लड़कियां इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं कि बगैर आवाज निकाले पापड़ भी खा लेती हैं। मुंह दिखाई में क्या दोगे? मैं मुंह दिखाई में इनको दूंगा आसरा। नहीं सॉरी, गलत बात नहीं करो, मुंह दिखाई में इसको लेके जाऊंगा दुबई। अगर ये पिल्ले स्टीवर्ड्स होता तो क्या होता? ये स्टीवर्ड होता ना, आप यकीन करो ये फ्लाइट से पहले ही कह रहा होता मुझे कोई पैसेंजर काम का ना बोले, मेरा ऊंचाई में दिल घबराता है। अवेश तुम हंस रहे हो, ये तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। नहीं अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, और अस्सलाम वालेकुम उज़्मी भाई, बरकत भाई। वालेकुम सलाम। और ये शो जो है ये वजाहती शो है। अच्छा, और ये क्या कहते हैं इस शो में बकायदा हम एक्सक्यूज करने के लिए बुलाया है हमने 3-2-1 पिल्ले को। अरे ठीक है, आप देखें मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, थोड़ा सा हम परहेज करेंगे क्योंकि पिछली दफा जो हुआ पिल्ले के साथ यहाँ पे उससे क्या कहते हैं। नहीं मैं पहले तो सॉरी टू कट यू, मैं एक बात करना चाहता हूँ पिल्ले भाई, पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि पब्लिक को नहीं पता आपने एक जुमला कहा था, आपने कहा था बरकत साहब मुझे बेइज्जत कीजिएगा मेरी इज्जत का सवाल है, आपको तो हमदर्दी मिल गई हमें गालियां पड़ गई, तो मैं लेकिन मैं माजरा चाहूंगा आपसे, तो प्लीज आप बड़ा दिल करके माफ कर दीजिए, और इस बार जो होगा उसके लिए एक शो और रखना पड़ेगा। नहीं इस बार नहीं होगा। देखो पिल्ले, मैं जो है क्या कहते हैं पुरानी जितनी भी जलालत हुई उसकी माफी मांगता हूँ और अगली शुरू करता हूँ। भाई मैं भी आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बी योरसेल्फ। इंग्लिश बेटा, इंग्लिश वो क्या इंग्लिश बोलिए? अच्छा इसने बोले क्या बोला है? बिहेव योरसेल्फ बोला है। बिहेव योरसेल्फ। देख बेटा इंग्लिश वो बोलते हैं जिनके रिश्तेदार बाहर होते हैं, तेरे सारे जेल में वो भी यही बोलने की वजह से गए थे। हाँ बस करो तमीज से बात करो मेरे मर्द से। मुझे पता नहीं होगा क्या ये जो शहर है ना, ये आज जो यहाँ पर आई है ये अभी आप हम लोगों ने बकवास शुरू कर दी, ये जो बच्ची अभी यहाँ पर आई है हुआ ये है कि बकरा ईद आ रही है। अच्छा अच्छा, बकरा इसने अभी तक लेकर नहीं दिया इस बेचारी को, तो पूरी दुनिया बकरे ले रही है, जानवर ले लिए कुर्बानी के लिए। ओ, लेकिन मैं आपको एक बात लेके नहीं दिया अभी तक, नहीं लेकर दे, नहीं ये आपको बकरा लेकर देगा भी नहीं, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि दो साल मुसलसल बकरा ईद पे इसके साथ ट्रेजेडी भी है। क्या क्या क्या? भाई पिछले साल कुर्बानी के लिए बकरा लाया, इसका बकरा इतना कमजोर था चांदरात को बिल्ली उठा कर ले गई, फिर ये कुर्बानी के लिए बकरा लाया, आप यकीन करो इसका बकरा इसका तौलिया खा गया, ये 5 दिन तक बकरे से मुंह पोछता रहा। तीसरी बार फिर बकरा लाया, तौलिया हाथ में आ गया इसके। अबे यार तुम्हें तुम यार यकीन को इतना बोलते हो जैसे कसम खुदा की बंदर चर्च पी के पागल हो गया हो। अरे यार ये बात बोली किसने? आप ये तो देखो इतना यकीन,
इतना बोलते जैसे गधा दो दिन से सोया ही नहीं हो। भाई 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 भाई। अच्छा अब एक काम करना आप दोनों एक साथ सोना। एक बार नोट करें भरकत भाई, भाई ये तैयारी से आया इस दफा। अच्छा बताओ ये इतना कोड़ावा क्यों है? क्यों ये चार दिन पहले अमेरिकन कुत्ता खरीद के लाया। मैंने इसको पूछा कुत्ता क्यों लाया, कह रहे ये दिन में घर की हिफाजत करेगा। मैंने बोला अच्छा और रात में? कह रहे रात में तो मैं खुद होता हूँ ना घर पे। ये कड़ा ये कुड़ा हुआ है इसका रूटीन भर के। देखो मेरा भी रूटीन भर के बेजा था ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, आप इससे शादी कर रही हो तो आपको किसी ने कहा है कि इसके बाद अब दुनिया में अच्छा लड़का नहीं आएगा, ये आखिरी अच्छा लड़का है, मतलब लड़के आना बंद हो गए या नहीं आएंगे, तो क्यों कर रही हो? वजह मेरी नजर में तो यही है सबसे अच्छा। अरे लव मैरिज है। अच्छा लव मैरिज है। अच्छा आप अच्छा वहां पे प्यार अंधा होता है ना। प्यार अंधा होता है। देखिए मैं आपको लव मैरिज का सवाल राइट उसी भाई सर, आप मुझे बताएं कि अगर दुनिया में दो लड़के हों सिर्फ, एक पिल्ला और एक क्रिस गेल, तो आप दोनों में से किससे शादी करेंगी? कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता नहीं मैं अवेश की थी, अवेश की हूं, अवेश की रहूंगी। क्रिस गेल गेल अब जाएगा तू जेल। यार इन्हें क्रिस गेल भी अच्छा है, ऐसी बात तो नहीं, पैसे वाला है ये, क्या है ये भी तो पैसे वाला है, इसलिए गाय को पैसे वाला है, बकरा खरीद के नहीं दे रहा। अरे बकरा इसीलिए नहीं खरीद के दे रहा हूँ ना, असल में पता है बात क्या है? मैं बकरा खरीदना नहीं चाह रहा हूँ, मेरे दिल करे ऊंट खरीदने का। ऊंट खरीदना चाह रहा? अच्छा अभी उसके नीचे मेरा अभी इसीलिए नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि अभी महंगाई बहुत है ना मंडी में। ईद के चौथे दिन जाकर खरीदूंगा। चौथे दिन तीसरे दिन तक होती है, तीसरे दिन तक नहीं ये पालेगा, अगले साल करेगा फिर उसको कुर्बान। अच्छा एक बात बताओ पिल्ले, यार मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया से बड़ा प्यार आ रहा है पिल्ले को। अरे जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया में बहुत पसंद कर रहे हैं यार पिल्ले शहर। आप दोनों की वीडियो पे 30-30 मिलियन व्यूज हैं इंडिया में। माशाल्लाह 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 यार माशाल्लाह। क्या बोलना चाहोगे इंडियन ऑडियंस को? यार इंडिया के लिए तो लव है इंडिया, इंडिया की कंट्री है ना बहुत वीआईपी कंट्री, इंडिया के लोग बहुत प्यार देने वाले का। वाह 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 वाह। लेकिन यार एक बार मुझे समझ नहीं आती अभी ये जो ये बिग बॉक्स है कौन है इसमें? बिग बॉस, बिग बॉस हाँ। उसमें अभी ये आया हुआ है क्या नाम है उसका? पुनीत सुपरस्टार। ये पुनीत की बात कर हाँ, हाँ। पुनीत जो है अभी बिग बॉस हाँ। ये पुनीत इसमें इसका कंटेंट तुमने देखा है मत भाई? क्या कंटेंट है इसका? कंटेंट यकीन करो ये बिग बॉस में आने लगा इसकी थोड़ी वीडियो, मैंने इसका कंटेंट जाकर चेक किया, ये तो पूरा कंटेंट इसका क्रिंज है। क्या क्रिंज कंटेंट? मतलब वो तो कंटेंट क्रिएटर है, वो क्रिएट बनाता है, आवाम पसंद कर रही है उसको? आवाम पसंद कर रही है लेकिन यार उसका कंटेंट ही पूरा क्रिंज है, मैंने खुद देखा है। क्रिंज 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 मतलब बकवास बात कह रहे हैं जिनका लोग मजाक उड़ाते हैं। हां ऐसा आप मेरा ही कंटेंट देख लो आप खुद जाकर, मेरा कंटेंट यकीन करो मेरे कंटेंट से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ओए 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 क्या सीखने को मिलेगा भाई? ये बात करते ना फिर मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं क्यों बोल रहे हो? देखो नहीं बरकत भाई आप अपने कंटेंट से क्या सिखाते हो लोगों को? क्या सिखाते हैं मतलब कि मतलब पान चबाना सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है? मैसेज पहुंचना है लोगों तक? नहीं मतलब कि कुछ सीखने को मिलता तो है, सीखने को मिलेगा उसके कंटेंट से मेरे को पता क्या सीख। वो पानी में जाके लेट रहा है कि हे भोगना उसने शुरू किया, ये किस चीज करेगा? पूरा क्रिंज है, पूरा क्रिंज है। लेकिन यार लाके किसके आगे खड़ा कर दिया पता है तुम्हारे को? भाई सलमान खान के, यार तुम उसको क्रिंज बोल रहे हो लेकिन तुम ये तो देखो कि वो सलमान खान के आगे खड़ा हुआ है और अपने स्टाइल में कर रहा है। सलमान खान से वो घबराया नहीं है। कोई भी प्रेशर नहीं होता, वो अगर इंडिया का सलमान खान है ना और मैं भी उसके सामने खड़े होके ये बोलता 3-2-1 पिल्ले हूँ, 3-2-1 पिल्ले किस चीज का? देखो अब लोग बोलते हैं कि क्यों बोलते हो? यार मैं बताऊँ अगर उसके ये गुद्दी पे चवाट मारेगा सलमान खान, अरे उसे गुद्दी मिलेगी नहीं ऐसा नहीं लग रहा जैसे मोमबत्ती पिघल चुकी है, इसकी आपको पता है इसकी दहशत इतनी है इसकी नाक पे मक्खी नहीं बैठ सकती, मक्खी इसके पास पहुंचने से पहले बेहोश हो जाती है। अपना ये बताओ कि बकरा चेक कर लेते हो? बकरा चेक अभी तुमको क्या बरखट भाई को चेक करके दिखाओ? पूरी तैयारी से है, मैं कह रहा पूरी तैयारी से है। अच्छा ये आपकी टाइमिंग क्या है? आप यकीन करो ये हेड ड्रेसर के पास गया, हेड ड्रेसर ने पानी का स्प्रे मारा, ये पिछली दीवार से गिर गया। हुआ था ऐसा? अच्छा बेटा फर्ज करो अल्लाह करे आपकी इससे शादी हो जाए, हमारी हम सबके बाद शादी हो जाए, अल्लाह ना करे शादी के बाद, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक अगर ये बीमार हो जाए और डॉक्टर बोले कि भाई इसका इलाज जो है ना वो सिर्फ दूसरी शादी है, तो आप इलाज करवाओगी या मरने दोगी? हाँ, ये
ये सवाल है बताओ, मैं इलाज करवाऊंगी, इलाज करवाऊंगी, इलाज करवाऊंगी, इलाज, ये शादी से पहले भी इलाज करवाई, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं यार, नहीं वो बच्ची आई भी बेचारी, वो घबराई भी है। बेटा ऐसी बात नहीं, बेटा आपने हमेशा शो जो है टीवी में देखा है हमारा, आज आप लाइव बैठी में कैसा लग रहा, कैसा महसूस कर रही है यहाँ पे बैठ के? रोजाना मैं इसकी बेइज्जती देखती थी टीवी पे कैमरे में, सही है, आज मैं लाइव देख रही हूँ, मेरे सामने करो आप। अबे साल की बच्ची बन, तू तेरे को मैं यहाँ पे लाया था, मेरा बदला लेगी, तू भी उनके साथ मिली। मेरे से मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तुम्हें देखूंगी, मैं तो बताऊंगी, तुम्हारी साइड पर हूँ यार। ये आप दोनों को सामने करो, मैं जवाब दूंगी। अच्छा सर जी, जब आप इसका हाथ पकड़ती हैं तो आपको क्या फीलिंग होती है, आपके अंदर क्या के मुहाफिज साथ हैं? मुहाफिज साथ हैं, हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ती है, पूरी दुनिया साथ है। ओ इसका हाथ पकड़ते हैं सकता है, पूरी दुनिया मेरे साथ है। अरे अल्लाह उठा ले रे बाबा। अच्छा अगर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ बेटा, अगर आपकी इससे शादी होगी ना, ये सारा खर्चा आप पे करेगा, सारा खर्चा आप पे करेगा, इसका कुछ खर्चा ही नहीं है। पिल्ले का खर्चा क्या है? क्या पूरे महीने में इस पे सिर्फ 200 रुपए खर्च होता है, 150 रुपए की ड्रिप लगती है और 50 रुपए का बाजरा यूज होता है। और बाजरा भी नाक से चुनता है, ये इसमें क्वालिटी है, ये एक कप पानी से भी 2 दफा नहा सकता है। एक बार भी नहीं देखा ड्रिप लगी है उसको, कब लगी है? लगी थी, पीछे से निकल गई थी। अच्छा पिल्ले एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक पेंटिंग बना के दूं, खूबसूरत सा समंदर हो, दरख्त लगे हुए हो और एक बंदा आपको खींच के पानी में ले जा रहा हो, तब आप नहा लोगे? अच्छा शावर से नहाना पसंद है या बाल्टी से? हाँ शावर से। शावर? अरे इसने एक बार मुंह पे पानी मारा, पानी मुंह धोने चला गया। स्विमिंग पूल में छलांग लगाई, सारा पानी काला हो गया। अच्छा नल खोला, इतनी बदबू पानी से देख के वापस नल में, और फिर आपके नल में आ गया। ये जो शहर है ना, हाँ हाँ, ये प्यार में पागल है इसके। पागल खाने का हमने देखा, एक पागल कुछ लिख रहा था, मैंने बोला क्या लिख रहा है, कह रहा खत लिख रहा हूँ। मैंने बोला किसको लिख रहा है? अपने आप को लिख रहा हूँ। मैंने बोला पढ़ के बता, अभी नहीं बता सकता। मैंने बोला क्यों, अभी मुझे मिला कहाँ है? हाँ, तो मतलब इस तरह की कोई बात ही, कभी आप किसी दरख्त पे चढ़े हो, बाद में पता चला वो दरख्त नहीं है, फिर आपने कहा जब मैं चढ़ गया तो चलो एंजॉय। अरे बड़े दरख्त को देखकर कह रहा, जब मैं छोटा था ना तो इस दरख्त पर आसानी से चढ़ जाता था। मैंने बोला कैसे? कह रहा उस वक्त ये दरख्त भी छोटा होता था ना। तो पिल्ले कभी चढ़े दरख्त पे? चढ़े दरख्त पे नहीं चढ़ो। आप यकीन करो, आपको पता नहीं है सर, ऐसे बंदे को ना, ऐसे बंदे को खोलकर दोबारा फिट करने से बेहतरीन ख्वाजा सारा तैयार हो जाता है। मतलब ऐसे कभी नीम के दरख्त के नीचे से गुजरे हो, ऊपर से आवाज आई, पिल्ले कहाँ जा रहे हो, ऊपर आओ ना। आइए चुड़ैल की, चुड़ैल। अच्छा सर एक बात बताइए। ओके यार इतने बरकत भाई के पंच लाइन, पानी अगर पानी उसको टच करे तो वो पानी नहाने चला जाएगा और वो क्या पूल में गिर जाए तो पूरा पानी काला और बदबू से पानी उल्टा चला। अरे यार आई हाय, दिस इज लाइक सो मच इंटेंस थिंग गोइंग ऑन इन हियर। और मैं क्या ही बताओ अभी भाई, एवरी टाइम पिल्ले और जब हमारे बरकत उर्मी का ये मिलन होता है ना, तब मैं सच्ची बताती हूँ इतना मजा आता है, मतलब मजाक उड़ता है पिल्ले का, वो एक मतलब बुरी बात लगती है, लेकिन इस टाइम पिल्ले ने भी ठान लिया है कि भाई साहब मैं भी विचले रहूंगा और पूरी सुपरस्टार को क्रिंज बोल दिया। आयरनी इस बात की है कि वो खुद है और वो बोल दूसरों को रहा है, वाओ दैट्स हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है ना। तो यार दैट इज इट फॉर टुडे, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।